जौनपुर से सपा सांसद आजम खान के करीबी सपा नेता ने आज मुरादाबाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए अंदाज में कहा कि आने वाले टाइम में आजम खान उनसे गिन गिन कर बदला लेंगे, जिसके बाद वो यहीं नहीं रुके और रामपुर डीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को 1 तारीख को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे डाली। दरअसल आज सपाई आजम खान के समर्थन में एक प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे। रामपुर स्थित जौहर अली यूनिवर्सिटी प्रकरण में समाजवादी पार्टी में बौखलाहट है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने हाल ही में यूनिवर्सिटी से जुड़ी जमीन अधिग्रहण के काम में तेजी आई है और यूनिवर्सिटी पर रिसीवर बैठाने की सुगबुगाहट ने सपा सांसद के करीबियों में हलचल बढ़ा दी है, जिसे लेकर आज आजम खान के करीबी माने जाने वाले यूसुफ मलिक अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक जुलूस की शक्ल में निकले और कलेक्ट्रेट पहुंच गए। ये सपाई यूनिवर्सिटी बचाओ के नारे लगा रहे थे, इनके हाथों में बड़े बड़े पोस्टर ले रखे थे। इन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात कही, जिसके बाद यूसुफ मलिक ने मीडिया के कैमरों के सामने प्रदेश के मुखिया योगी को धमकी भरे अंदाज में कहना शुरू किया कि उनका नाम आजम खान है, सरकार ने जो किया वो ब्याज सहित हिसाब लिया जाएगा, 1 तारीख तक जो 1400 बीघे जमीन सरकारी घोषित करी है उस आदेश को वापस ले लें, वरना 1 तारीख को इसके अंजाम भुगतने को तैयार रहें रामपुर डीएम और मुख्यमंत्री, वरना इसके अंजाम बुरे होंगे। वहीं उनका कहना है कि प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक के हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कलम देना चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अल्पसंख्यकों के हाथ में चाकू देना चाहते हैं। राज्यपाल महोदय से कि ये जो शासन आदेश आपने जारी किया है, ये जो रामपुर का आदेश यूनिवर्सिटी की 1400 बीघा जमीन आपने सरकारी घोषित की है, इसको वापस लो वरना इसके अंजाम बुरे होंगे, और अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे ये सरकार। आज हम ऐलान करते हैं 1 तारीख को जितनी ताकत है रामपुर डीएम में लगा ले अपनी प्रशासन और पुलिस फोर्स। एक छोर मुरादाबाद में होगा, दूसरा छोर रामपुर में होगा। क्या करेंगे 1 फरवरी? 1 फरवरी को डीएम से बात की जाएगी और इस आदेश को वापस लेने तक वहां से नहीं उठा जाएगा रामपुर का। आज किसके नाम ज्ञापन दे? आज हमने राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है और हमारी मांग है कि जो ये आदेश यूनिवर्सिटी के खिलाफ जारी किया गया है 1400 बीघे जमीन का, इसको वापस लिया जाए। और हम उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के उस प्रधानमंत्री से अपील करते हैं जिनका ये बयान था, पिछले दिनों सुनने में आया था कि मैं अल्पसंख्यकों के बच्चों के हाथ में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कलम देखना चाहता हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बजाय कलम के हमारे हाथों में चाकू देना चाहता है। हमारे माननीय मोहम्मद आजम खान साहब पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, बेवजह में उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरा परिवार जेल में है, अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, पैमाना भर चुका है, कहीं ऐसा ना हो ये छलक जाए, इसके अंजाम भुगतने को तैयार है सरकार। अगर सरकार नहीं मानती आपकी बात, डीएम नहीं सुनते हैं, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम हम 1 तारीख को बताएंगे, कदम जो होगा वो सबके सामने।